हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूड चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आज वे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आप मसल्स के बारे में जान जाएंगे जो आपके मन में भ्रम था। एंड आज के बाद आपको स्केलेटल मसल्स यानी रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी यानी स्मूथ मसल्स, हृदय पेशी यानी कार्डिक मसल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके मुंह पर उसका जवाब होगा। तो बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। एंड दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि ए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सीरीज चल रहा है, एंड मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उन सब टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाती रहूंगी। एंड उसे पूरा करने के बाद फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी के भी, एनबीएस से रिलेटेड जितने भी सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, उन सबको मैं पूरा कराऊंगी। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, इसीलिए मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में सीरियल वाइज से बता रही हूँ। तो आपको अन्य टॉपिक के बारे में देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, पेशी तंत्र जो है मांसपेशियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब पेशी कोशिकाएं जो हमारे पेशी कोशिकाएं होती हैं वो भ्रूण के मीसोडर्म से बनती हैं। जैसा कि भ्रूण की और कुछ अवस्थाएं होती हैं जैसे मीसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक ना, एंड इंडोडर्म, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। बट अभी आपको ध्यान में रखना है कि पेशी कोशिकाएं जो है यानी पेशी ऊतक जो है किससे बना होता है, तो भ्रूण के मीसोडर्म से बना है, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि पेशी कोशिकाएं यानी पेशी ऊतक का उत्पत्ति कहां से हुई है, तो भ्रूण के मीसोडर्म से बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपवाद यह है कि आंखों की आयरिस एंड सिलियरी जो है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है, न कि मीसोडर्म से, ठीक है। तो आंखों की पेशियां जो है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है, यानी और शरीर की समस्त पेशियां भ्रूण की मीसोडर्म से बनती है, ठीक। और पेशियां हमारे शरीर में किसका कार्य करती है, यानी मोटर यानी गति का काम करती है, गति के रूप में कार्य करती है, बल व आकार प्रदान करती है, ठीक है। और इनकी संख्या जो है हमारे शरीर में, इनकी संख्या 639 यानी 600 से 650 कुल हमारी शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसमें से 400 से 450 यानी 400 से 430 पेशियां केवल कंकाल तंत्र की पाई जाती है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा किन पेशियों की संख्या है, तो कंकाल पेशियों की यानी स्केलेटल मसल्स की संख्या है, ठीक है। एंड यह हमारे शरीर के भार का 40-45% भाग बनाता है, यानी हमारे शरीर में जितने हड्डी, मांसपेशी, रक्त, जल, जितने चीजों के भार है 100% में से 40-45% वर्ल्डिंग मांसपेशियों का भार पाया जाता है, ठीक है। एंड इसमें इस मांसपेशी में 1/4 भाग प्रोटीन एंड 3/4 भाग पानी पाया जाता है, तो 3/4 पानी यानी 75% के लगभग मांसपेशियों में पानी पाया जाता है, ठीक है, और 25% के लगभग प्रोटीन पाया जाता है। तो इस ये सब एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। हमारे शरीर में सर्वाधिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं, हमारे पीठ में पाई जाती है, ठीक है। लगभग 180 पेशियां हमारे पीठ में पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा, किस भाग में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा पेशियां, तो पीठ में, ठीक है। और मुस्कुराने के दौरान मुख में 12 पेशियां कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। हमारी पेशियां जो है, पेशी ऊतक जो है, तीन प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक यानी रेखित पेशी जिसे स्केलेटल, वॉलंटरी, स्ट्रेट, स्ट्रिपेट मसल्स भी कहते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, ये हमारे हाथ पैरों में पाया जाता है, ठीक है। एंड अनैच्छिक पेशी दूसरा है,
इसको इनवॉलेंट्री अनस्ट्रिपेट, ठीक है, नॉन स्ट्रिपेट एंड स्मूथ मसल्स बोलते हैं। एंड तीसरा है हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स, जैसा कि चित्र में तीनों पेशियों दिखाया जा रहा है। तो इन्हीं तीनों पेशियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं तीनों पेशियों के क्या क्या कार्य है और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगी ऐच्छिक पेशियां यानी रेखित पेशियां, जिसे स्केलेटल वॉलंटरी स्ट्रेटाइड स्ट्रिफेड मसल्स भी कहते हैं। तो इन सब नामों से कंफ्यूज मत होइएगा, इन सब नामों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ऐच्छिक पेशियां जो है टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती है। किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है पिछले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। तो टेंडन जो है, टेंडन द्वारा रेखित पेशियां जो है अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। और ये ऐच्छिक पेशियां, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। और हमारे शरीर में जितनी गतियां हैं, गति का कार्य जो है ऐच्छिक पेशियों द्वारा ही होती है। और देखने में ये जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये धारीदार दिखाई देती है, इसीलिए इसको स्ट्रेटाइड या स्ट्रिपेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक तंतु बहु केंद्र की होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो हरा हरा दिख रहा है बीच बीच में, वो केंद्रक है। ये बहु केंद्र की लंबे और बेलनाकार होते हैं, ठीक है। और शरीर में कोई भी गति इसी ऐच्छिक यानी रेखित पेशियों द्वारा, स्केलेटल मसल्स द्वारा होता है। ये हमारे हाथ पैरों में पाई जाती हैं, जैसे कि बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, बाइसेप्स जो हमारे बाजू पे पाई जाती है ऊपर की तरफ, ट्राइसेप जो है बाइसेप्स के नीचे, ठीक है। एंड डेल्टाइड जो हमारे कंधे पे पाई जाती है, क्वाड्रिसेप्स हमारे जांघ पे पाई जाती है, पेक्टोरिलिस मेजर जो हमारे पीठ पे पाई जाती है। ये सब में बहुत सारे पेशियों के उदाहरण हैं, जिसमें मैं उतना उदाहरण नहीं दे सकती सभी पेशियों के नाम और कार्य के, पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये सब पेशियां जो है हमारे स्केलेटल मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती हैं। और स्केलेटल मसल्स यानी रेखित पेशियों में श्वेत तंतु, व्हाइट फाइबर मसल्स, व्हाइट मसल्स फाइबर ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों पेशी तंतु जो है दो प्रकार की होती है, व्हाइट मसल्स फाइबर एंड रेड मसल्स फाइबर। जो रेड मसल्स फाइबर होती है वो स्लो ट्विस्ट होती है, एंड जो व्हाइट मसल्स फाइबर होती है वो फास्ट ट्विस्ट होती है। इसलिए हमारी जो स्केलेटल मसल्स है यानी रेखित पेशियां हैं, उसमें बहुत तेजी से संकुचन एवं प्रसारण होता है, यानी फास्ट ट्विस्ट होती है। इसीलिए इसमें श्वेत तंतु यानी व्हाइट मसल फाइबर अधिक पाया जाता है और तीव्र संकुचन करती है, जैसे कि 10 से 12 बार प्रति सेकेंड में ये संकुचन कर सकती है। और इसमें रेखित पेशियों में यानी स्केलेटल मसल्स में एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो काली और श्वेत पट्टियां होती है इसमें, जैसा कि इसमें चित्र में दिख रहा है। जो काली पट्टी है वो मायोसिन है, जो श्वेत पट्टी है वो एक्टिन है। इनके कारण ही रेखित पेशियों में संकुचन व प्रसारण यानी संकुचन और प्रकुचन का कार्य होता है, ठीक है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सब कार्य किसके द्वारा संचालित होती है, वो अपने आप तो हो नहीं रहा है, एक तंत्रिका उसमें प्रसारित होती है, जिसमें हम स्लाइडिंग फिलामेंट्स मसल्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में जब बताऊंगी तो पूरा विस्तृत से समझाऊंगी उसको, कि कैसे हमारी मांसपेशियां संकुचित होती हैं। और इन स्केलेटल मसल्स की जो संकुचन प्रसारण होती है, इन सभी की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा ये संचालित होती है। और इसमें अंतर्विष्ट चक्रिकाएं यानी इंटर कलेक्टेड डिस्क जो है नहीं पाया जाता है, ये हृदय पेशियों में पाया जाता है, ठीक है। तो यथा रेखित पेशियों के बारे में संपूर्ण डिटेल, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनैच्छिक यानी अरेखित पेशियां, जिसे इनवॉलेंट्री अनस्ट्रिपेड नॉन स्ट्रेटाइड
स्मूथ मसल्स बोलते हैं। तो स्मूथ मसल जब पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो अरेखित पेशी को ही बोला जाता है क्योंकि ये कोमल अंगों में पाई जाती है, आंतरिक अंगों में। ठीक है, ये पेशियां जो है इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये अपने आप कार्य करती है, अपने आप संकोचन एवं प्रसारण इसमें होता है और लंबे तुर्क के आकार की होती है जैसा कि चित्र में दिख रहा है। एंड इपिथेलियल उत्तक या म्यूकस से बनी होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो अनैच्छिक पेशियां हैं यानी स्मूथ मसल अरेखित पेशियां हैं वो किससे बनी होती हैं, तो इपिथेलियल उत्तक। जैसा कि इपिथेलियल उत्तक के बारे में मैं पिछली वीडियो में फुल डिटेल में समझाई हूँ, तो इपिथेलियल उत्तक क्या होता है इसके बारे में आप जाकर के वहां पे देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, इपिथेलियल उत्तक जो है हमारे आंतरिक और बाह्य अंगों की परत बनाता है, जैसा कि हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है, त्वचा पर भी ये पाया जाता है एंड आंतरिक अंगों कोमल अंगों में भी इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो हमारी ये अरेखित पेशियां जो है तुर्क लंबे आकार की होती है, इपिथेलियल उत्तक मीकस से बनी होती है। ठीक है, ये अंदरूनी अंगों में पाई जाती है। आंतरिक अंगों में जैसे कि छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, पेट की पेशियां हो गया यानी अमाशय हो गया, फेफड़े व लीवर हो गया, इन सब अंगों में हमारी अरेखित पेशियां यानी अनैच्छिक पेशियां यानी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया है कि रेखित पेशियां यानी स्केलेटल मसल्स में संकुचन प्रसारण के लिए एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, बट ये स्मूथ मसल्स में यानी अरेखित पेशी में परकिंजे तंतु होता है जिससे संकुचन एवं प्रसारण में वो मदद करता है। और इसमें रेड मसल्स फाइबर पाया जाता है। अरेखित पेशी में क्या पाया जाता है? रेड मसल्स फाइबर, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड स्केलेटल मसल्स यानी रेखित पेशियों में व्हाइट मसल्स फाइबर पाया जाता है। जैसा कि पेशी तंतु दो प्रकार का होता है यानी पेशी फाइबर, फाइबर को ही हिंदी में तंतु कहते हैं और उसको इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। तो वो दो प्रकार का होता है, रेड मसल्स फाइबर एंड व्हाइट मसल्स फाइबर। रेड मसल्स फाइबर स्लो ट्विस्ट होता है एंड व्हाइट मसल फाइबर फास्ट ट्विस्ट होता है। इसीलिए स्केलेटल मसल में व्हाइट मसल फाइबर होता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी संकुचन प्रसार होता है, और इसमें जो हमारे स्मूथ मसल्स है अरेखित में इसे रेड मसल्स फाइबर होता है। तो एंड ये भी जो हमारे मैंने बताया कि रेखित पेशियां जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचालित होती है, लेकिन ये अरेखित पेशियां जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से के द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा। जब मैं नर्वस सिस्टम का पाठ पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं जो तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगी। तो उसी के तंत्रिका तंत्र के एक भाग जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसी के द्वारा यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा अनैच्छिक पेशियों यानी रेखित अरेखित पेशियों का संचालन नियंत्रित होता है। ठीक है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया व अन्य कोशिकाओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है जो हमारी अनैच्छिक पेशियां होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया व अन्य कोशिकाओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है और अंतर विष चक्रिका यानी इंटर केलेटेड डिस्क जो है अनुपस्थित होती है रेखित अरेखित दोनों में। ये उपस्थित हृदय पेशियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है अनैच्छिक पेशियों के बारे में जो फुल डिटेल में बताया गया है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स। ये भी बेलनाकार शाखान्वित धारीदार होती है, जैसा कि ये संरचना भी रेखित पेशियों जैसी होती है बट कार्य जो है अनैच्छिक पेशियों की तरह करती हैं। जैसा कि ये हृदय पेशियां हृदय में पाई जाती हैं और ये हृदय आजीवन यानी मृत्यु प्रयत्न ये कार्य करती रहती हैं। जब इनका कार्य रुक जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाता है। तो जैसा आप हृदय के बारे में जान ही रहे हैं कि हमेशा हर पल धड़कता रहता है, और हृदय जब कार्य करना बंद कर देता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो हृदय पेशियां अपने आप संकुचन और प्रकुचन होती है, और इसमें सर्वाधिक रेड मसल फाइबर पाई जाती है। तो सर्वाधिक क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक रेड मसल फाइबर किस पेशी में पाई जाती है, तो हृदय पेशी में सर्वाधिक रेड मसल फाइबर पाई जाती है। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया तथा ग्लाइकोजन के कण भी हृदय पेशियों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाती है, किस पेशी में पाई जाती है, तो
कार्डियक मसल्स में पाई जाती है और ग्लाइकोजन के कर, ठीक है। और यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित नियंत्रित होती है, यानी अरेखित और हृदय पेशियां दोनों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से संचालित होती है। एंड स्केलेटल मसल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होती है। और इसमें जो है हृदय पेशियों में अंतर्विष्ट चक्रिकाएं यानी इंटर कैलेटेड डिस्क उपस्थित होती है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। ये अंतर्विष्ट पट्टियां होती हैं, ठीक है, बीच बीच में मसल्स के। और नेक्स्ट है कि हृदय की चारों तरफ यानी हृदय में तीन पेशियां पाई जाती हैं। हृदय के चारों तरफ हृदय को तीन पेशियां घेरे रहती हैं, कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे बाहरी परत होता है और इस एपिकार्डियम में भी पेरिकार्डियम के तीन परत होते हैं और इसके बीच में सेरस नामक द्रव भरा रहता है। तो क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि हृदय की कितनी परत होती है, कितनी पेशियों से मिलकर बना होता है, तो तीन पेशियों से मिलकर। और एपिकार्डियम में हृदय की वाह्य परत एपिकार्डियम में कौन सा द्रव भरा रहता है एपिकार्डियम के परतों के बीच में? तो सेरस नामक द्रव भरा रहता है। तो इस प्रकार हृदय तीन पेशियों से बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम सबसे बाहरी परत होता है, इसके अंदर पेरिकार्डियम के तीन परत और इन परतों के बीच में सेरस नामक पदार्थ भरा रहता है जो बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करती है। एंड दूसरा है मायोकार्डियम, ये बीच की परत होती है। एंड तीसरा है इंडोकार्डियम, ये हृदय की आंतरिक परत होती है जिसमें अलिंद नीलय सब भाग होते हैं। तो ये था हृदय पेशी के बारे में। तो हृदय पेशी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो दोस्तों ये था तीन पेशियों के तीन प्रकार यानी रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आज के बाद आपको तीनों पेशियों के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर जरूर दे लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं पेशियों के कितने प्रकार होते हैं यानी ये पेशियां हमारे कितने पेशियों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी, जैसे बेलनाकार पेशी, पंखों के आकार की पेशी, त्रिकोणात्मक पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे अंगों में, इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे जो भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।